अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कमल मानर, मैं इस बैठा वारकरी कारपोरेशन टारगेट सेंटर लुटन से। मैं किसान बिरावान वास्ते पैगाम लैके आया सो जो हैं दान दाश्तकार दान दाश्तकार खुद वेखते उस दिन कि उन्होंने वास्ते एक मसला बने हुए है कि पानी की जी सतह है पी, यानी कि जिस टाइम तुम पनीरी अगर मुंतकिल करते हो पलाट के पानी जोड़ा है पे वो टिक नहीं रही है, यानी कि जमीन जी है वो पानी में जज्ब कर लेंदी है, कितने दूसरे नंबर खेत पानी खड़ोता नहीं रहा, जिस करके किसान बड़े ज़्यादा तक परेशान हैं। क्यों? ये दान एक फसल ही ऐसी है कि जिस हर वक्त पानी मौजूद होना चाहिए, अगर तुम उस पानी यानी कि जाया कर बैठते हो, यानी कि वह सतह उस बरकरार नहीं रख सकते हो, तो उस जड़ी बूटी का जिन्ना उगाओ हो जाता है, यानी जड़ी बूटी की जर्मिनेशन हो जाती है। इस वास्ते किसान भरा जिस टाइम तुम अपने खेत के पनीरी मुंतकिल कर लगते हो, उस पहले इस चीज़ का ख्याल रखो कि पनीरी जिस टाइम मुंतकिल कर लगते हो, पनीरी नूं एक जहर आलूद किया जाता है पी या थायफनेट मिथाइल के नाल उस जहर आलूद करके अगर फिर तुम पलाट के मुंतकिल करो। दूसरे नंबर पर यह जिस टाइम तुम पनीरी मुंतकिल कर लगते हो, उस तो पहले जरा है ना जमीन नूं कद्दू किया जाता है, यानी कि जमीन के जरा पानी छड़ते हो अपने पलाट के एक तय बनाई जाती है कि जमीन के मसाम जोड़े हैं वो बंद किए जाते हैं। वो किस तरह बंद किए जाते हैं तुम खुद जानते हो, सो कि एक लेप बनाया जाता है पिया, जिस तरह गारे का अपन लेप बनाने हैं इस तरह करके ये जमीन का भी एक लेप बनाया जाता है पिया, ताकि जमीन के मसाम बंद हो पानी की एक तय सतह मुंतकिल रख सकी है कि उस पानी यानी जमीन जज्ब ना करे अपने अंदर। जिस टाइम तुम पनीर मुंतकिल कर लगोगे, उस तो पहले जमीन के हल चलाओ, हल इस तरह चलाओ कि उस पिछे सुहागा होना चाहिए है, फिर सुहागा दो तीन दफा उस जमीन के फेरो, ताकि एक लेप बने जमीन का, जमीन के मसाम बंद हो, और तुम ढा के अगे पनीर मुंतकिल करो तो जमीन के मसाम बंद होने की वजह नाल पानी तुहाडा जमीन जज्ब ना करे, तो ज़्यादा देर बाद तुहाडा पानी खेत मुंतकिल रहे तो तुम अपनी पैदावार के इजाफा कर सको। किसान भरा जिस टाइम तुम इस चीज़ का कंट्रोल करते हो, यानी जमीन के मसाम बंद करते हो, तो नाल ही डी ए पी का छट्टा करते हो, ताकि तुहाडी जिनी भी खुराक है पौधे नूं टाइम पर मिलना शुरू हो जाए। किसान भरा इन चीज़ों का इस्तेमाल टाइम के नाल करिया करो, ताकि तुहाडी पैदावार इजाफा होवे, तो नुकसान भी ना हो। शुक्रिया किसान भरा का।